सो गाइस देखो आज की इस वाली वीडियो में जो मेरे साथ चीज हुई भाई वो मेरे साथ हुई तो है पर आज से 3-4 साल पहले हुई थी। और भाई आज दोबारा मेरी लॉबी में एक आ जाता है सर्वर हैकर जो कि भाई पूरा का पूरा सर्वर फ्रीज कर देता है। मुझे अभी तक ये बात नहीं पती थी क्योंकि पती थी नहीं मतलब पता नहीं थी। और भाई यहाँ पे मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। अब हम भाई हाई रैंक पे खेलते हैं ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। अब जैसे ही मैं नेट ऑन ऑफ करता हूँ मैंने कहा भाई सर्वर रिकनेक्ट आ रहा है ठीक है, तो जैसे ही मैंने नेट ऑन ऑफ करा तभी भाई मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ गाइस, ये बंदे मेरा नेट आ गया, मैं जिंदा हो गया। मैंने कहा भाई उतरू कहाँ पे, अब उतरू कहाँ पे। देखा तो क्या भाई कोई भी बंदा जंप नहीं कर रहा था, जितने भी बंदे थे वो सब मतलब ऐसे ही जा रहे थे, सिर्फ बोट्स जो है जंप कर रहे थे। बट तुम्हारे भाई को फिर पता लगा कि हाँ भाई मतलब कुछ तो भी भाई किसी ने तो सर्वर में लोचक गया था, क्योंकि पहले पिंग बहुत अच्छी आ रही थी फिर उसके बाद एकदम से पिंग हाई हो गई। एंड देन मैं और मेरा टीममेट भाई उतर जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सारे के सारे बंदे एक साथ इकट्ठे होकर उतरते हैं। और भाई जो उन बंदों को मारा गाइस मतलब आज तुम्हारे भाई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है साला, मतलब 65 किल्स गाइस, 65 किल्स आज हमने पूरे इस टोटल मैच में करे। और लैग देखो भाई कितना गंदा हो रहा था और इतने सारे ग्लिचेस हुए भाई ये उस बंदे की वजह से जिसने सर्वर हैक किया था, बहुत सारे ग्लिचेस हुए। और भाई ये देखो बंदे कैसे उतर रहे थे ऊपर से नीचे, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ में। और अब मैं सबसे पहले नीचे उतरता हूँ क्योंकि भाई मुझे चाहिए थी गन, और गन लेता हूँ सबसे पहले और जाके नीचे खड़ा हो जाता हूँ, इन बंदों का वेट करता हूँ। और भाई तुम मानोगे नहीं, जब तुम्हें एक आधा बंदा मारना हो तब तो तुम्हारा एक आधी गन से काम चल जाता है, 10-12 बंदे मार दो तो भी भाई, अगर तुम्हारे आगे 50-60 बंदे उतर जाए ना तो तुम्हें एमओ भी कम पड़ेगी उन्हें मारने के लिए, और भाई गन तो कम पड़ने ही वाली है। और यहाँ पे मुझे गन मिली भी नहीं है, मिली कार 98। मेरी किस्मत इतनी ख़राब रहती है ऐसे टाइम पर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना बढ़िया मौका था फिर भी ये मुझे एक शॉट गन मिली, उसके बाद ये डांसिंग वाला ग्रेनेड। ऑफलाइन बंदों को मैं क्या ही नचाऊंगा। अब इसमें क्या होता है भाई, वो वाले बंदों को वो ऑफलाइन कर देता है और भाई सब बंदों का सर्वर चला जाता है। यहाँ पे कुछ बंदों का सर्वर आता भी है और एक बंदे का ऑल पे इतना ज़्यादा बुरा ग्लिच हो जाता है भाई, वो बताता है हमें सब चीज़ इसके बारे में कि भाई कैसे सर्वर हैकर आते हैं और कैसे भाई वो उनने पहले भी सर्वर हैकर्स को फेस कर रखा है, तो तुम्हें उसकी आवाज़ बीच बीच में सुनाई देगी। पता नहीं भाई क्या ग्लिच हो गया था, मैं ऑल पे से उसकी माइक हटा भी दे रहा था बट फिर भी मुझे टीम पर भी उसकी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं ये क्या सीन है भाई बीजेएमआई का। और बंदे देखो भाई तुम, मेरा टीममेट खुद शॉक हो गया था कि भाई लेजेंड भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब देख रहे हो तुम भाई आधे बंदे जमीन में घुस रहे हैं आधे बंदे यहीं पे हैं बिल्कुल ऊपर। तो भाई मुझे मिली थी उजी शॉटगन, मतलब शॉटगन से आज मैंने जितने बंदे मारे ना अपनी लाइफ में मैंने उतने बंदे नहीं मारे शॉटगन से एक साथ, मैंने इतने बंदे कभी देखे भी नहीं भाई बीजेएमआई में जब से मैं बीजेएमआई खेल रहा हूँ गाइस। और भाई ये देखो आधे बंदे को तो पैराशूट ही उसमें घुस गए। और यहाँ पे बहुत बुरा ग्लिच हो जाता है, तुम स्कोप इन नहीं कर सकते बंदों को मारने के लिए, और देखो तुम्हें हीलिंग वीलिंग भी नहीं दिखेगी मेरी। पता नहीं भाई ये क्या सीन है भाई, ये पूरा सर्वर की ऐसी तैसी कर गया था भाई वो। तो गाइस इसका नाम है रश, वन ऑफ द बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप मेड इन इंडिया बाय हाइक। और गाइस रश ऐप में आपको वैरायटी ऑफ गेम्स खेलने का मौका मिलता है जैसे कि स्पीड लूडो, ब्रिकिश मैश, कोल ब्रिक, कैरम, फ्रूट फाइट और गाइस बम्पर बैटल, मेन्यू और। तो गाइस गजब की चीज है ना, अपने दोस्तों को भी बुलाओ और गाइस अर्न करो अप टू 50,000 रुपीज रेफर एंड अर्न के थ्रू। और गाइस रश पे जीते हुए पैसों को विड्रॉल करना काफी ज्यादा इजी है, जब तुम्हारा मन करे तुम भाई तब पैसों को विड्रॉल कर सकते हो अपने यूपीआई के थ्रू और जीते हुए पैसे तुम्हारे यूपीआई अकाउंट में इजिली आ जाएंगे। और गाइस जैसे ही आप पहली बार लॉग इन करोगे आपको मिलेगा 50 रुपीज का साइन अप बोनस। तो गाइस वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी जाओ रश बाय हाइक को डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखो जो ड्रैगन बॉल जी वाला मोड था भाई उसमें हमने 45-50 किल्स के गेम प्ले देखे हैं, मैंने भी 45-50 किल्स करे थे उस वाले गेम प्ले में ठीक है, सबने करे थे क्योंकि भाई वहाँ पे टेलीपोर्ट मार लेते हैं हम बंदे ढूंढते। बट भाई आज 65 किल्स, 65 गाइस लेट्स गो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ क्योंकि ये बोट आ जाते हैं ऊपर से, मेरे पास कोई गन नहीं थी कोई एमओ नहीं थी भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कुछ नहीं था। यहाँ पे एक उजी की एमओ थोड़ी सी और मिली तो एक आधे बोट को मैं टपकाता हूँ क्योंकि मुझे तो पता था ये वाले बंदे तो भाई साहब ऐसे अब नहीं आने वाले क्योंकि इन्होंने तो सबने ओके पे क्लिक कर दिया एग्जिट कर गए ये बंदे। बट तुम्हारे भाई ने नेट ऑन ऑफ करा और यहाँ पे आ गया मैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैं इन बंदों को मार देता हूँ ना भाई, मतलब यहाँ से निकलने की बारी थी और उन बंदों को ढूंढने की बारी थी जो कि भाई प्लेन से कूद चुके थे। अब मेनली बात ये होती है भाई वो मतलब बंदे नहीं होते जो कूद जाते हैं, यहाँ पे ये ऑफलाइन रियल बंदे रह जाते हैं और सारे के सारे बोट जो है भाई बाहर कूद जाते हैं क्योंकि बोट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे वो हैकर बोट को कंट्रोल नहीं कर पाया और सारे के सारे बोट बाहर कूद गए और ये बंदे यहाँ पे रियल रियल मिल गए। और तुम अभी देखो भाई 30 के करीब किल्स हो चुके गाइस, 30 मतलब तुम मान के चलो 30 के करीब किल्स।
और जो नोक बंदे थे मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ मैंने को इनको फिनिश कर दो, और एक आधा बोट भी पीछे मार दिया क्योंकि वरना मुझे ये बोट मार देंगे भाई। ना तो मेरे पे हेलमेट है ना वेस्ट है, कुछ भी ढंग का नहीं है। अब यहाँ पे शॉट गन मिलती है और एक ये टोमी मिल जाती है मुझे, इससे बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है। मैंने कहा चलो हाँ अब इससे मैं इन गन से बंदों को मार सकता हूँ, तो तुम देखना भाई जरा कितने बंदे मारे। और तुम सोच रहे होगे कि मैं स्कोपिन क्यों नहीं कर रहा हूँ, भाई मैं नहीं कर सकता, तुम्हें दिख रहा होगा मेरा स्कोपिन का बटन ही नहीं आ रहा है भाई। पता नहीं क्या क्या ग्लिचेस चलते हैं भाई इस गेम में। अब यहाँ पे मैं शॉटगन फेलता हूँ इन बंदों के दोनों के, उन्हें पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब दोबारा से मेरा टीममेट मुझे हीलिंग देता है, मैं कहता हूँ हीलिंग कहाँ पे है भाई, हीलिंग आई तो है मेरे पे, है कहाँ पे भाई, हीलिंग नहीं लगा पा रहा था मैं बहुत देर तक, मुझे समझ नहीं आया कि हील कैसे करूँ। और जब इतनी देर तक मुझे हील समझ नहीं आया तो भाई मैं अपना बैग खोलता हूँ, देन मुझे हीलिंग दिखाई देती है भाई। मतलब क्या बोलूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया मेरे साथ तो। और पेटी देखो तुम एक बारी भाई, मुझे बस खुशी इसी चीज़ की थी कि भाई मैंने आज कितने सारे किल कर दिए एक बारी। तुम पेटी देखो भाई, पेटी देखो जरा कितनी सारी पेटी बनी हुई है यहाँ पे। और इसी के साथ अपने 54 किल्स तो यहीं पे हो गए गाइस। मतलब भाई मज़ा आ गया भाई, तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा ये सीन। और मैंने आज से तुम्हें 3 साल पहले भी ये वाला सीन दिखा रखा है, और भाई ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, और इन चीज़ों में तुम मेनली तो ऑफलाइन ही हो जाते हो। मेरे तो भाई पता नहीं क्या ही लक था जो मैं इस बार ये मेरे साथ हो गई और मैं आ गया भाई मैच में। पता नहीं गाइस, मतलब तुम मुझे बताना तुम्हारे किसी के मैच में आया है नहीं यहाँ तो कोई सर्वर हैकर, और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से। मतलब भाई यहाँ पे हम फंस चुके थे, अभी हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं थी, और जोन आ चुका था, और एक हाई किल का गेम प्ले हमें सेट करना था यहाँ पे, क्योंकि हैकर तो साला गया पता नहीं कहाँ गया सर्वर फ्रीज करके, बट हमें अपना फ़ायदा करना था यहाँ पे, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे ये एनर्जी ड्रिंक लगाता हूँ, और एनर्जी ड्रिंक मैं जैसे ही लगाता हूँ ठीक है, तो हमें चाहिए थी ये गाड़ी। अब भाई भागते हैं भागते हैं भागते हैं, गाड़ी बहुत दूर तक नहीं मिलती गाइस, बहुत दूर तक हमें गाड़ी नहीं मिलती, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। और आधी हीलिंग मैं अपने टीममेट को देता हूँ, आधी हीलिंग खुद रखता हूँ, क्योंकि टीममेट का भी जिंदा रहना ज़रूरी है। अगर हुआ कोई रियल बंदा भी भाई जिंदा इन 22-23 बंदों में से, तो वो हमें बहुत बुरी तरीके से मार सकता है, क्योंकि हमारे पास ना तो हीलिंग है, उस बंदे के पास अच्छी खासी लूट होगी अगर वो किसी अच्छे ड्रॉप पर उतरा होगा, तो वही सीन था यहाँ पे। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, मैंने कहा भाई चलो जल्दी से यार गाड़ी ढूंढ ले, और हम सीधा आते हैं गाड़ी ढूंढने भी। यहाँ पे गाड़ी ढूंढने जा ही रहा था तभी एक और बोट पीछे से आ गया, इसको मारा, और यहाँ पे मैं इसकी लूट उठाता हूँ। यहाँ पे कुछ एनर्जी ड्रिंक मिल गई, और गाइस एनर्जी ड्रिंक हमारा बहुत काम आसान करने वाली है। अब देखो लकीली मुझे गाड़ी तो नहीं मिलती, आगे जैसे मैं जाता रहता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक गैराज मिलता है, गैराज से हम गाड़ी निकाल सकते हैं भाई। BGMI का बहुत सही अपडेट है, बहुत सही फीचर है कि इन्होंने गैराज ऐड कर दिए कुछ कुछ दूरियों पे, जहाँ से तुम अपनी मनपसंदा गाड़ी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही करता हूँ सीधा, सबसे पहले भाई गैराज पे जाता हूँ। मैंने भाई जल्दी से गैराज से गाड़ी निकाली, और ये निकाली थी हमने को अपनी लैम्बोर्गिनी। तो अब जो है 57 किल तो मतलब हो गए थे हमारे, और उसी के बाद हमें मिलते हैं कुछ बोट्स वगैरह, जिनको कि भाई स्कोपिन करके तो मैं मार नहीं सकता, तो मैं इसे नॉर्मली ऐसे ही मार देता हूँ और इनकी लूट वगैरह लेता हूँ। 58 किल्स मतलब ये जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ना कि भाई तुम्हारे भाई ने 65 किल्स करे हैं, भाई सारे बंदे चौंक गए, सारे बंदे कह रहे हैं अरे भाई असंभव ये वो। बट गाइस तुम्हें पता है जो असंभव चीज़ होती है वही कर देते हैं साला। 65 किल्स मतलब मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, 65 किल भाई मज़े आ गए भाई। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो आज अली, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और उन्हें दिखाना कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो जाता है अगर वो रैंक वगैरह पुश कर रहे हैं, तो ज़रूर दिखाना उन्हें भी अली वीडियो, और वीडियो पे लाइक करना जरूर भाई। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं इस वाली वीडियो पे हम 10-20 हज़ार लाइक्स, तो मे बी तुम कर दोगे 10-20 हज़ार लाइक्स, और जल्दी लाइक करना, और भाई अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को उनको दिखाने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक आधा बोट और बच रहा था, जिनमें से कि एक तो यहीं पर था भाई, मेरे साउंड तो आ रही थी यार उसकी पता नहीं कहाँ, ये रहा। और इसने यहाँ पे एक आधा बोट और मार दिया था यार, वरना 66 हो जाते भाई, आधे बंदे तो मिले ही नहीं पता। और लास्ट वाला बंदा बच रहा था यहाँ पे, जिसको कि अब हमें मारना था, तो मैं सीधा बग्गी ऊपर से नीचे कूदा देता हूँ एंड देन इसको मार दी गाइस। अपने हमें प्रोफाइल में दिखने लगते हैं मोस्ट किल 65, तुम जाके मेरी प्रोफाइल में चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं मिलता हूँ तुम्हारे से किसी एक न्यू वीडियो में किसी एक न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस। कितने किल हो गए?